आज रात्रि में जब आप पूजा करेंगे तो आपको कौन कौन सी सामग्री लगेगी। पहली बात, पूजा का राइट टाइम है 12:02 से आप ये अवश्य प्रारंभ करेंगे। पूजा अब प्रारंभ करेंगे 12:02 से 12:48 तक आप ये प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा, इसमें प्रमुखतः आपको पूजा में रखना क्या है, बोले रखना है पंचामृत। पंचामृत 5 वस्तुओं से बनता है, दूध, दधि, घृत, शर्करा माने शक्कर, शहद, मधु। इन 5ों से बन मिलकर ये पंचामृत बनता है और पंचामृत को पंच अमृत कहा जाता है, क्योंकि गौ के पदार्थ से ही, चाहे वो दूध हो, दही हो, घृत हो, ये अमृत के तुल्य है। इस पंचामृत का अभिषेक करने से परमात्मा सर्वेश्वर बाल कृष्ण प्रसन्न होते हैं। द्वितीय, जो सुख समृद्धि हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त होती है, मन को शांति प्राप्त होती है। तो प्रमुखतः जो आवश्यकता होती है वो पंचामृत की होती है। तो पंचामृत आप तैयार कर लेंगे, प्रयास ये करें कि गौ के दूध पे ही दधि हो, दूध हो और घृत हो, ये प्रमुख बहुत अच्छी चीज रहेगी। दूसरा, हम लोग जो पंजीरी बनाते हैं उस पंजीरी में धनिया, सौंठ, जीरा आदि मिलाकर इसे पंजीरी बनाया जाता है, तो शक्कर भी मिलाई जाती है, थोड़ा आटा भी मिलाया जाता है। हालांकि व्यवहारिक तौर पे जब आप देखते होंगे कि जब किसी माता को कोई शिशु होता है तो हमें उनको बहुत हल्का पदार्थ, जो पावरफुल भी हो और जो उनको शक्ति प्रदान करे लेकिन उसे वो पचा भी सके, क्योंकि उस समय जो जन्म देने के बाद जो माँ की स्थिति होती है वो थोड़ी सी कमजोर, वीकनेस जिसको हम लोग कहते हैं वो होती है। तो ये चीज़ें साधारण व्यवहार में तो माँ के लिए, प्रसूता के लिए होती हैं, जो माँ होती है जो बच्चे को जन्म देती है, पर ये आजकल व्यवहार में ये है कि हम ठाकुर जी को भी इसका भोग लगाते हैं। तो ये पंजीरी भी आदि बना लें, तो इसको बनाकर भगवान को तुलसी दल मिलाकर इसका भोग लगाएं, पंचामृत से अभिषेक कराएं। और जो पूजा में जो हमारी यहाँ अभिषेक होगा, इस अभिषेक के समय में जो जो वस्तुएं आपको चाहिए, फूल चाहिए ही चाहिए, आपको पता है पुष्प, रोली, चावल आदि जो इकट्ठे होते हैं, फिर भी मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ, आराम आराम से लिख लें। रोली, चावल, कलावा, जनेऊ, इत्र, सुपारी, चंदन, पंचमेवा, फूल, मिठाई, मिश्री और माखन तो बिल्कुल मत भूलिएगा। माखन के बिना गोविंद की पूजा इस समय पूर्ण नहीं होगी। और पंचामृत का मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इन चीजों को आप हमारे साथ टीवी पे, जो आस्था भजन पे अभिषेक भी आएगा, यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो हमारे नाम से है उस पे भी ये लाइव अभिषेक प्रारंभ होगा, उस समय भी ये सारी सामग्री आप लेकर बैठेंगे। तो कब कब कौन कौन सी सामग्री चढ़ाई जा रही है, वही वही सामग्री आप अपने घरों में लड्डू गोपाल पर चढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जन्माष्टमी की बहुत शुभकामना।